ओ माय गॉड, इस हफ्ते की टीआरपी लिस्ट देखकर तो आप भी यही कहने वाले हैं। इस बार की बाघ टीआरपी लिस्ट में तो वाकई गजब की उथल पुथल देखने को मिली है। साल 2023 के 36वें हफ्ते में टॉप 10 शोज के बीच इस बार जिस तरह से मसला ऊपर नीचे हुआ है, बस पूछिए मत। इन आंकड़ों को देखने और सुनने के बाद आपको खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं 36वें हफ्ते की बाघ टीआरपी बताने का वो सिलसिला जिस पर फैंस की निगाहें हमेशा टिकी रहती है। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। देखिए, इस हफ्ते 10वें पायदान पर है भाग्य लक्ष्मी, जिसकी इस हफ्ते की रेटिंग आई है 1.6। 9वें नंबर पर विराजमान है शिव शक्ति। कलर्स टीवी पर कुछ समय पहले ही शुरू हुए इस धार्मिक सीरियल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जिसका सबूत टीआरपी लिस्ट में इस शो की पोजीशन दे रही है। शिव शक्ति को इस हफ्ते मिले हैं 1.6 रेटिंग पॉइंट्स। अगर बात करें 8वें नंबर की, तो इस नंबर पर है इमली विद 1.6 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। बता दें कि हाल ही में इमली में जनरेशन लीप आया है, जिसके बाद कहानी को काफी बेहतर मोड पर देखा जा सकता है। और अब बात करते हैं टीआरपी लिस्ट में नंबर 7 शो की, तो ये है पांड्या स्टोर, जिसे इस हफ्ते मिले हैं 1.6 रेटिंग पॉइंट्स। टीआरपी की लिस्ट में नंबर 6 पर है ये है चाहते, जिसे मिले हैं 1.6 रेटिंग पॉइंट्स। अब बात करते हैं बाघ टीआरपी लिस्ट के टॉप 5 सीरियल्स की। नंबर 5 पर इस लिस्ट में नंबर आया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, जिसे इस हफ्ते मिले हैं 1.7 रेटिंग पॉइंट्स। वहीं नंबर 4 की पायदान पर है टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रणाली राठौर और हर्षद चोपड़ा का ये शो भी लीप लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अभी भी शो ने पूरी तरह से टीआरपी लिस्ट में अपनी पकड़ बना रखी है और 1.7 रेटिंग पॉइंट्स के साथ ये नंबर 4 पर है। वहीं नंबर 3 के पायदान पर है कुंडली भाग्य, जिसकी टीआरपी ने एक बार फिर से तूफान ला दिया है और इसे इस हफ्ते 1.9 पॉइंट्स मिले हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 की, और आपको बता दें कि यहाँ कौन है। तो जनाब, नंबर 2 के पायदान पर मौजूद है गुम है किसी के प्यार में। जी हाँ, नंबर 2 पर बाजी मारते हुए इस सीरियल ने बाघ टीआरपी लिस्ट में 2.1 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं। और नंबर 1 पर हमेशा की तरह मौजूद है अनुपमा। रूपाली गांगुली का इमोशनल जादू आज भी टीआरपी की सीढ़ियों पर अपना जादू चला रहा है और लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। इस शो को पछाड़ पाना अब लगभग नामुमकिन सा ही लग रहा है। अनुपमा को इस हफ्ते 2.3 रेटिंग पॉइंट्स हासिल हुए हैं।